रायबरेली के दौरे पर रहे राहुल गांधी पर सियासत शुरू हो गई है। राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने पोस्टर लहराकर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा गया कि 6 महीने में मात्र 5 घंटे राहुल गांधी ने रायबरेली में समय गुजारा है, मतलब कि 5 साल में कुल 2 दिन उन्होंने लिखा कि रायबरेली के लोगों के लिए एक रात तो गुजारिए रायबरेली में। तो ये पोस्टर आप देख सकते हैं, जिस पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, रायबरेली में एक रात तो गुजारिए, ये पोस्टर में लिखा गया है। और राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे पर ये लगातार चर्चाएं हो रही है, लगातार इस पर तंज कसा गया है। राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने पोस्टर लहराकर तंज कसा है। तो देख सकते हैं आप व्यंग्यात्मक अंदाज में यहां पर, सार्केस्टिक वे में यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा गया, मतलब कि 5 साल में कुल 2 दिन उन्होंने ये लिखा है। त्योहारों के चलते रेलवे ने भले ही स्पेशल ट्रेन चलाई हो, इसके बाद भी लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेन फुल नजर आ रही है। जनरल कोच से लेकर स्लीपर कोच तक खचाखच भरे हुए हैं। यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें खचाखच भरी नजर आ रही हैं। यात्री कहीं टॉयलेट में बैठे हैं, कहीं गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर है। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जहां एक और 2 दर्जन ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स को चलाया है, तो वहीं ट्रेनों में रश भी उसी अनुपात से बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 कालका ट्रेन में आप देखिए ट्रेन की हालत क्या है, जहां कैपेसिटी 72 है तो वहां 150 ज़्यादा आदमी यहाँ मौजूद है। सर कितना रश है? सर बहुत रश है, और रिजर्वेशन तो लास्ट टाइम पर आप जानते हैं मिलता नहीं है। सर क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें यह है कि चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ बैठना तो आसान ही नहीं, खड़े रहने पर यात्रा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, भीड़ भीड़ और भीड़, ऐसे में यात्री परेशान है और उनको अपने घर तक पहुँचना है, कुछ दरवाजे पर, कुछ वॉशरूम में। मैं फिर अपने कैमरे में से कहूँगा दृश्य दिखाइए कि कहाँ तक, एक इस कोच में 250 से ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में इन्हें अपने घर तक पहुँचना है, क्योंकि त्यौहार में ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं नो रूम, और ऐसे में यात्री हैरान और परेशान। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। छठ को लेकर गोरखपुर में मार्केट सजी हुई है। बड़ी संख्या में व्रत करने वाले लोग आकर खरीदारी कर रहे हैं और इस पर्व में तरह तरह की फल और सब्जियां सूर्यदेव को चढ़ाई जाती हैं। बांस के बने हुए टोकरी में फलों को ले जाया जाता है। गोरखपुर फल मार्केट में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ यहां पर लगी हुई नजर आ रही है। नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का व्रत आज से शुरू हो चुका है और जो लोग हैं वो खरीदारी के लिए आए हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर फल मार्केट में खड़ा हूं और देखिए यहां पे वो सारे फल मौजूद हैं जो इस व्रत में यूज होते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं। गन्ना विशेष रूप से यूज होता है। इसी के साथ यहां पे जितने भी फल हैं वो लगाए गए हैं और लोग आके यहां पे खरीदारी कर रहे हैं। भाई कैसी चल रही है बिक्री? सही चल रही है, ठीक है। आई की मार है कि नहीं? है, एकदम है। पकड़ दे, बिक्री हो रही है और यहाँ पे जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं। आइए, हर तरीके का फल, सब्जी से लेके सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। काका बिकात बा अधिकम बा बता काका बिकात अब बिकात बा नारियर बिकाता है, गरगरवा नेबुआ बिकाता, लौकी बिकाता है। और लखनऊ में छठ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालु बेदी बनाकर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूजा के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सीएम योगी भी छठ की पूजा में शामिल होंगे।
और इसी बीच एक बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां पर पत्नी तीन बच्चों के हत्या आरोपी का शव मिला है। आरोपी राजेंद्र ने खुद को गोली मारी। वाराणसी के सदलपुरा गांव में शव मिला है। पत्नी और तीन बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर वाराणसी के सदलपुरा गांव में शव बरामद किया गया है। वाराणसी के सदलपुरा गांव में शव मिला है। रवि पांडे इस पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इस खबर को लेकर? पत्नी और तीन बच्चों के हत्या आरोपी का शव बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पत्नी समेत तीन बच्चों की हत्या का मामला पूरे बनारस में हड़कंप मच गया, सनसनी सी एक फैल गई। इस घटना से पूरा जो क्षेत्र है वो दहल गया था। बीती रात की ये पूरी घटना थी। पुलिस लगातार तीन घंटे से जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम आई हुई है और ये पता लगाया जा रहा है कि घटना का जो कारण था वो क्या था। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि रोहनिया थाना क्षेत्र के सदलपुरा एक गाँव है, अखरी वो रोड है, वहाँ पर एक शव बरामद हुआ है जिसकी मौत गोली लगने से हुई है। और ये बताया जा रहा है कि खुद को व्यक्ति ने गोली मारा है और ये वही व्यक्ति है जिसका नाम राजेंद्र और जिसने पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। ये बताया जा रहा है कि राजेंद्र ने खुद को घटना के बाद खुद को अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस पूरे घटना में का एक एक जो मुख्य आरोपी राजेंद्र है उसका एक अपना पुराना एक इतिहास भी रहा है। साइको कहा जाता है, मोहल्ले में दबंग किस्म का उसका विचारधारा रहा है। और 1997 में उसने अपने पिता और गार्ड की भी हत्या कर दी गई। तो काफी मनगढ़ किस्म का ये व्यक्ति था। कुछ ही देर बाद इस पूरे खबर पे पुष्टि भी हो जाएगी कि यह राजेंद्र ही है। और लेकिन जो पुख्ता खबर जो न्यूज 18 के पास है वो यही है कि राजेंद्र ने भी घटना के बाद आत्महत्या कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका।